हेलो गाइस, कैसे हो? मैं हूं ज्योति और वेलकम बैक टू स्टूडेंट खबरें की पाठशाला, जहां हम प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन का कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड ऑल ओवर इंडिया। तो गाइस, आज मैं एक ऐसी यूनिवर्सिटी की बात करने वाली हूं जो कि छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है, उसके बारे में आज मैं पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूं, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में अलग अलग इसके स्कूल्स बने हुए हैं। मेनली इसके तीन स्कूल हैं, एक मैनेजमेंट साइंस और इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। तो आज मैं पूरा फुल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। ये जो यूनिवर्सिटी है, इसका नाम है OPJU, जिसको OP जनरल यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ रायगढ़ में लोकेशन है इसका, लोकेटेड है ये यूनिवर्सिटी। अभी ही इसका एस्टेब्लिशमेंट 2014 में हुआ था, मतलब अभी रिसेंट की ये यूनिवर्सिटी है। इसको एफिलिएशन भी दिया गया है UGC और AICTE से, इसको एफिलिएशन किया गया है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी है ये। यहाँ पे जैसे मैंने बताया, स्कूल मेनली तीन है, ये याद रखना, तीन है इसके, एक इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और साइंस से रिलेटेड, मतलब UG PG लेवल के कोर्सेज यहाँ करवाए जाते हैं, डिप्लोमा और PhD लेवल के भी प्रोग्राम्स यहाँ पे करवाए जाते हैं। लेकिन अभी मैं इस वीडियो में मेनली ये फोकस कर रही हूँ मैं, जो कि इसका स्कूल है, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के बारे में, कि इंजीनियरिंग में क्या कैसा एडमिशन प्रोसीजर है, क्या प्लेसमेंट्स आती हैं, प्रोस कॉन्स क्या हैं इसके कॉलेज के। और इसके बाद वाले वीडियोस में, मैंने नेक्स्ट वीडियोस में साइंस और मैनेजमेंट भी मैं कवर करूंगी। तो अभी मैं फोकस कर रही हूँ स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग। तो अगर आप UG PG लेवल का या PhD लेवल का डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हो इंजीनियरिंग की फील्ड में, तो ये कॉलेज के बारे में मैं आपको पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताने वाली हूँ। इसमें UG प्रोग्राम BTech होता है। BTech में अलग अलग स्पेशलाइजेशन, अलग अलग स्ट्रीम्स में यहाँ पे कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जो करवाई जाती है, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग और मेटलर्जिकल और मटेरियल इंजीनियरिंग। इसी का PG लेवल में भी, MTech में भी यही स्पेशलाइजेशन में और यही स्ट्रीम्स में भी करवाए जाते हैं। और जैसे कि मैंने बताया, PhD प्रोग्राम और डिप्लोमा कोर्सेज भी स्पेसिफिक टाइम के लिए यहाँ पे होता है। यहाँ के अगर मैं एडमिशन प्रोसीजर की बात करूँ, तो आपका ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी मोड में क्या कर सकते हो आप, 500 से 1000 रुपये तक का इसका फॉर्म मिलता है। ऑनलाइन आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में भी जाके, ऑफलाइन यहाँ पे जाके विजिट करके इस कॉलेज में आप फॉर्म भर सकते हो, फिर उसके हिसाब से और काउंसलिंग होती है आपकी। और 10+2 में आपके जो भी मार्क्स आए हैं क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में, मतलब जो भी मार्क्स आए हैं आपके उसके बेसिस में, मतलब मेरिट लिस्ट के बेसिस में, और JEE मेन अगर आपने दिया है तो उसके बेसिस में आप काउंसलिंग की जाती है। और आगे का प्रोसीजर होता है कि आपकी प्रेफर्ड चॉइस जो है, आप प्रेफर्ड जो भी स्ट्रीम चाहते हो वो आपको मिल रही है या नहीं। यहाँ पे गेट एग्ज़ाम देखा जाता है उसके MTech के लिए। और यहाँ पे जैसे फैसिलिटीज़ की अगर मैं बात करूँ, तो फैसिलिटीज़ हॉस्टल अवेलेबल है यहाँ पे, गर्ल्स बॉयज़ दोनों के हॉस्टल्स अवेलेबल है यहाँ पे, एयर कंडीशनर हॉस्टल्स हैं आप बोल सकते हो, हेल्थ केयर सेंटर है, फर्स्ट एड फैसिलिटीज़, मेडिकल सेंटर्स यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं, कैफेटेरिया, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, कैंटीन फैसिलिटीज़, IT इंफ्रास्ट्रक्चर, Wi-Fi फैसिलिटीज़ स्टूडेंट स्टाफ के लिए, ये सब यहाँ पे अवेलेबल है। मतलब ये बोल सकते हो कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत ही अच्छा सा है, बहुत ही बोल सकते हो कि इट्स अ नाइस, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। यहाँ पे सोशल लाइफ की भी अगर मैं बात करूँ, इवेंट्स क्या क्या होते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ भी करवाई जाती है ताकि स्टूडेंट का डेवलपमेंट हो, वो अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाए, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोज कर पाए हर फील्ड में, हर स्किल्स में। तो सोशल लाइफ जैसे कि यहाँ पे एक डांडिया नाइट करवाया जाता है, फ्रेशर्स पार्टीज़ होती हैं यहाँ पे, इंडस्ट्री कॉन्क्लेव्स होते हैं यहाँ पे, टेक्नोरोलिक्स होता है, मतलब कि टेक्निकल कल्चरल दोनों तरीके के फेस्ट यहाँ पे रेगुलर बेसिस में, एनुअल बेसिस में भी करवाए जाते हैं। यहाँ का अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूँ, तो एवरेज पैकेज जो यहाँ पे गया है वो 3 लाख तक जा चुका है, और हाईएस्ट पैकेज 12 लाख पर NM तक गया है। तो आप ये बोल सकते हो कि अभी की ही ये कंपनी है और इतना प्लेसमेंट दे रही है, मतलब इम्प्रूवमेंट एक तरीके से है इस यूनिवर्सिटी का, इस कॉलेज का इम्प्रूवमेंट है ज़्यादा, क्योंकि 12-13 लाख भी अगर इनका हाईएस्ट पैकेज जा रहा है और अभी ही 4-5 सालों में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ है, तो बहुत बड़ी बात है कि इतनी नोटवर्दी कंपनीज ऑब्वियसली बातें आती होंगी। मतलब प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, प्लेसमेंट इज़ गुड आप बोल सकते हो यहाँ पे। हॉस्टल क्लीन रहता है, हाइजीन
मेंटेन करके चलते हैं ये लोग, मतलब अच्छा रहता है यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर। मैंने बताया इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज़ यहाँ पे गुड, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अट्रैक्टिव टाइप का, इम्प्रेसिव टाइप का यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है। यहाँ पे कैंपस साइज़ भी आप ये बोल सकते हो कि ठीक है, क्योंकि 25 एकड़ में ये फैला हुआ है, तो कैंपस साइज़ भी यहाँ पे ठीक है बोल सकते हो। फैकल्टी और स्टूडेंट एनरोलमेंट जो भी होते हैं यहाँ पे वो भी सही है, मतलब सेटिस्फैक्ट्री बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ की टोटल फैकल्टी ये बोला गया था कि 62 है और स्टूडेंट एनरोलमेंट 821 तक ही गया है। तो आप ये बोल सकते हो उनका रेशियो जो होता है ना, तो अच्छा है कि टीचर स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे सकता है यहाँ पे। और इसके अगर मैं कॉन्स की बात करूं कि इसके क्या कंस्ट्रेंट है, तो आप ये बोल सकते हो कि यहाँ की जो फीस है कहीं ना कहीं हाई लेवल की है, थोड़ी ज़्यादा है कि अफोर्डेबल इतनी नहीं है, और यहाँ पे इंटर्नशिप नहीं प्रोवाइड होती है एज़ यूजुअल, आपको बाहर डिपेंड होना पड़ता है इंटर्नशिप के लिए। कॉलेज इंटर्नशिप, कोई सी भी इंटर्नशिप नहीं प्रोवाइड करता है यहाँ पे। ये भी बोला जाता है कि अभी रिसेंट में ही ये हुई है, तो फैकल्टी आ रही है यहाँ पे, मतलब धीरे धीरे एनरोल कर रही हैं, लेकिन क्वालिटी इतना, एजुकेशन में क्वालिटी इतना ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हुआ है इसमें, पुअर एजुकेशन क्वालिटी आप कहीं ना कहीं यहाँ पे बोल सकते हो। और ये भी है यहाँ पे मेरे को कॉन्स में आया था कि लैब यहाँ के अच्छे हैं बहुत, लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपोजर, प्रैक्टिकल लर्निंग नहीं मिल रही है स्टूडेंट्स को ज़्यादा, मतलब थ्योरी में ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है यहाँ पे। और मेन यहाँ का ये भी नेगेटिव पॉइंट बोला गया था कि अभी रिसेंट में जैसे आई है ना, तो इसमें नेक का NAAC से एफिलिएशन इसको अभी तक नहीं मिला है, UGC और AICTE से ही सिर्फ दिया गया है, लेकिन NAAC से नहीं किया है, जो कि मेन नेगेटिव पॉइंट आप कहीं ना कहीं बोल सकते हो, क्योंकि प्लेसमेंट और बाकी चीज़ें इसी के ऊपर ज़्यादा डिपेंड रहती हैं कि नेक से, हाँ इससे हमारा क्वालिफिकेशन हमको मिला गया है, इससे हमारा रिकॉग्नाइजेशन मिला गया है, तो कहीं ना कहीं आप इसमें भी बोल सकते हो इसका नेगेटिव कंस्ट्रेंट। तो मैंने ओवरऑल रेटिंग की भी बात की थी बच्चों से कि ओवरऑल रेट क्या करोगे आप आउट ऑफ 10 में, कि एकोमोडेशन को कितना रेट करोगे, तो स्टूडेंट से बोला कि एकोमोडेशन यहाँ का लगभग 6.4 है, फैकल्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का 7.3 to 7.4 आप बोल सकते हो, प्लेसमेंट यहाँ का थोड़ा वो बोल 6.2 तक है, क्योंकि अभी नई है तो धीरे धीरे ही इम्प्रूव होगी। सोशल लाइफ का यहाँ पे 6.8 है आउट ऑफ 10। तो ये मैंने पूरा कवर कर लिया OPJU यूनिवर्सिटी के बारे में, जो कि इंजीनियरिंग लेवल का भी मैंने सिर्फ बताया। अगले वीडियो में मैं साइंस और मैनेजमेंट के कोर्सेज के बारे में भी बताऊँगी, उसके कट ऑफ, उसके प्लेसमेंट्स के बारे में भी सब कुछ बताऊँगी मैं। तो हमारे वीडियो को लगातार देखते रहना ताकि आपको उससे भी और ज़्यादा क्लियर हो पाए। और इसमें भी कोई अगर चीज़ आपको क्लियर नहीं हो रही है, कोई क्वेरीज हो, डाउट हो, तो नीचे हमने व्हाट्सअप नंबर भी दिया है, आप उसमें ईजिली व्हाट्सअप कर सकते हो। विद इन 24 आवर्स हम लोग आपको रिस्पॉन्स ज़रूर देंगे। और भी कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी और कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के बारे में आपको जानना हो पूरे इंडिया में, तो आप नीचे कमेंट करना ताकि जल्द से जल्द वो हम लोग आप तक पहुंचा पाए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, एंड स्टे ट्यून्ड विद अस गाइस।